कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाइनेंस के ज़रिए आप अपनी किसी भी करेंसी को विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। उसकी एग्जांपल मैं आपको दे के बताऊँगा। USDT के अंदर सबसे पहले हमने बाइनेंस के ऊपर जाना है। बाइनेंस खोलेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद मैंने वॉलेट में जाना है अपने। वॉलेट के अंदर स्पॉट के ऊपर क्लिक करना है। मुझे ये बता रहा है कि मेरे पास इस वक्त 128 USDT 128.9 USDT मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है। सबसे पहले मैंने इसको स्पॉट से फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डिपॉजिट, विड्रॉ, ट्रांसफ़र। मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। स्पॉट वॉलेट से फंडिंग में लेके जाना है, तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। बाज़ जगह ऐसा भी होगा कि फंडिंग ऊपर आ रहा होगा और स्पॉट वॉलेट नीचे आ रहा होगा, तो आपने क्या करना है, स्पॉट वॉलेट से इसको फंडिंग में ट्रांसफ़र करना है। इस तरह करके नीचे अपनी जो करेंसी है उसको सिलेक्ट करना है। मेरे पास USDT है तो USDT को सिलेक्ट करना है। नीचे मैक्स कर दूंगा मैं, तो ये देखें आपके पास जो वैल्यू उधर शो कर रही थी स्पॉट के अंदर, वो अब इसके अंदर शो कर रही है। अब मैं इसको कर दूंगा कन्फर्म ट्रांसफ़र। ये होगा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल। अब ये मेरी इस हिस्ट्री से गायब हो जाएंगे। ये रिफ़्रेश हो रहा है, ये देखें गायब होगा इसमें से। अब मैंने फंडिंग पे क्लिक करना है। फंडिंग पे क्लिक करने के बाद ये देखें इसके अंदर मेरे पास शो हो रहे हैं डॉलर्स। थोड़े से डॉलर पहले भी मेरे पास पड़े हुए थे ऑलरेडी, तो ये 131 शो हो रहे हैं। अब मैंने P2P पे क्लिक करना है। अब इसमें रेट आ रहा है बाइंग का। मैंने सेल करना है तो मैंने सेल पे क्लिक करना है। करेंसी मेरी ऑलरेडी सिलेक्ट हुई हुई है USDT के अंदर, ठीक है। अब मेरे पास 131 USDT है, तो मैंने इसमें चेक करना है कि मेरा जो अमाउंट है वो किस रेंज में आ रहा है, ताकि मैं उस रेट के ऊपर इसको बेच सकूं। 188.30 के ऊपर मेरा 188.30 के ऊपर मेरा रेट आ रहा है, क्योंकि इसी के दरमियान में मेरी करेंसी लगेगी। तो मैं इस पर सेल पे क्लिक कर दूंगा। मैंने क्वांटिटी को ऑल करना है, 131.58 है। फिर मैंने अपना अकाउंट डिटेल बता देनी है। जैसे इनके पास जो ऑप्शन है वो नीचे दिया हुआ है, इजी पैसा PK ओनली, तो मैं इजी पैसा अकाउंट उसमें दे दूंगा। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी बैंक है, अगर बैंक का ऑप्शन उसने दिया हुआ तो बैंक के ऑप्शन पर आप कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट करना है इसको, ये आ गया। फिर मैंने सेल विद ज़ीरो फी लिखा हुआ आ रहा है नीचे, इस पर क्लिक कर देना है। अब ये चले गया, जो बायर है मेरे करेंसी का उसके पास ये रिक्वेस्ट चली गई मेरी। अब मैं इसको चैट पे मैसेज करूँगा कि मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें। अब आप ये चेक कर सकते हैं, ये मेरे पास मैसेज गिरा है 12:13 पर 24,766 रुपये का। यही 24,766 रुपये थे मेरे पास, ये मुझे रिसीव होगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मार के रीड कर दिया मैंने इसको। अब मैं इसको बता दूंगा कि मुझे पैसे मिल चुके हैं। मैंने पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देना है। वो कह रहा है आई हैव रिसीव द कोड, करेक्ट पेमेंट अमाउंट एंड कन्फर्म रिलीज माई क्रिप्टो। टिक लगा के मैंने कन्फर्म कर देना है। फिर मेरे मोबाइल पे कोड आएगा, सेंड कोड करूँगा तो मैं, ये कोड आ गया मेरे पास 013262 013262। सबमिट, ये चले गए USDT मेरे पास से उनके पास, और PKR में अकाउंट आ गया मेरे पास। पॉजिटिव करके डन कर देना है। तो आज तक का यही था कि विड्रॉ किस तरीके से किया जा सकता है किसी भी करेंसी के अंदर बाइनेंस के थ्रू। तो वो ये तरीके का था। मज़ीद वीडियो को देखने के लिए, मज़ीद मालूमात लेने के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें और राइट साइड पे बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आपको आगाह मिलती रहे और आप अप टू डेट रहें तमाम आने वाली नई वीडियो से। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।